ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में गुंडागर्दी वर्तमान समय में की गई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आपको हम बताते चले कि अब दबंगों ने नशा माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर कानून को अपने हाथों में लेकर बिलासपुर के कोठी चौक के समीप दो युवकों को कुछ गुंडों ने अगवा करने के उपरांत बंदी बनाकर करीब 6 घंटे से बेरहमी से पीट डाला। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिलासपुर में गुंडागर्दी वर्तमान समय की चरम सीमा गुंडागर्दी पर पहुंच चुकी है। गुंडागर्दी की घटनाओं का सरेआम नंगा नाच देखने को मिल रहा है। आपको हम बताते चले कि कुछ दिन पूर्व बिलासपुर में बस अड्डे पर सरेआम कुछ दबंग युवकों ने चालक परिचालक की पिटाई की घटना को अंजाम दे डाला था। अब दबंगों ने नशा माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर कानून को अपने हाथों में लेकर बिलासपुर के कोठी चौक के समीप दो युवकों को कुछ गुंडों ने अगवा करके उपरांत उन्हें बंदी बनाकर करीब 6 घंटे बेरहमी से पीट डाला। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती, अपितु एक युवक की मां भी घटना की जानकारी मिलने के उपरांत घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि अपने लाल को बचाने की प्रति पुलिस को सूचित करने के उपरांत वहां पहुंची, मगर उसके साथ भी दबंगों ने अभद्रता करने के अलावा मारपीट की। पुलिस को उसने सूचित किया था कि मगर हैरत में डालने वाली बात तो यह है कि पुलिस पहुंचने के उपरांत भी दबंगों ने युवकों के साथ मारपीट जारी रखी। वहां पर गए पुलिसकर्मी तमाशबीन बनकर मौन रहे। उन्होंने युवकों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। यहां तक कि 3 दिन का समय बीत जाने उपरांत भी पुलिस ने दबंगों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाना उचित नहीं समझा। इस सिलसिले में पीड़ितों के परिजनों सहित पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल से मिलने पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। जिलाधीश राजेश्वर गोयल ने तुरंत एपी साक्षी वर्मा से दूरभाष पर बात कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए। मेरा नाम कुंतला देवी, मेरा बेटा अल्लाह सुने मेरे को नीचे, मैं बोले हम कौन है, मैं दौड़ के आई घर से, और मेरा बेटा लंबा पड़ा था और जोर से मार रहे थे दो जने, और दोनों हाथों से डंडे लाए हुए थे, और मैं छुड़वाया था मेरे को भी मारने पड़ा और मेरी बाजू में भी लगी और मेरे घर से पकड़ लिया मैं मेरे, और बोला मेरा कल क्या करना है, किसने कर लो जैसा जो करना हो जाओ, जहाँ जाना हो जाओ। और मेरा कौन है सर, मेरा एक बेटा है, मेरे 5 साल का बेटा है, तब मेरा पति मर गया, और उसके बाद क्या सर जी, मेरा नाम सीताराम है, मैं एक्स आर्मी से 26 साल सर्विस करके उसके बाद मैं रेलवे में जॉब करता हूं, और मेरा लड़का जो है पिछले 5 साल से मेरे साथ जगाधरी वर्षा में वहीं पर इसलिए प्लस टू की स्टडी करी, उसके बाद आजकल ये इसको मैंने जो है ना अंकुश ठाकुर को अपने बेटे को उन्ना में जो है ये आईटीआई कर रहा है, दिवाली के लिए अपने घर आया हुआ था, और इसको जो है ना इसको मैंने पैंट स्टिचिंग के लिए दी थी, तो पैंट लेने के लिए चांदपुर जा रहा था, तो इन्होंने रास्ते में लड़कों ने इसको गाड़ी में डाल करके, ये पैदल जा रहा था इधर से, इन्होंने गाड़ी में डाल करके इसको यार्ड में ले गए और इसका फोन ले लिया। मैं ड्यूटी पे था जगाधरी में, मेरे को कोई पता नहीं था, इसका फोन चला गया, जब रात को नहीं आया तो मैं कहीं फोन किए, मेरे को कोई जवाब नहीं आया, तो मैं एकदम बेचैन हो गया, कोई किसी से कोई डिस्कस नहीं हो पाया मेरा। उसके बाद मेरे को जो है मैं रात को इतना हो गया विचलित कि मैं रात को चल पड़ा भैंस उधर से, और मैं सुबह जब इधर पहुंचा तो मैंने इनका हालत देखा, तो इनकी हालत देख करके मेरा तो जो है ना रोम रोम खड़े हैं जनाब, और मैं एक कानून को मानने वाला आदमी हूं और कानून से चलता हूं, हमें ये उम्मीद है कि प्रशासन हमारी सहायता करे, और जिस बंदे ने जिस आदमी ने ये काम किया है वो उसके क्या इनकम सोर्सेज हैं, वो हर एक 6 महीने में गाड़ी बदलता है, वो उसके घर में एसी लगे हुए हैं, हमने 25 साल 26 साल 35 साल नौकरी होगी मेरी, हम शाम को सोचते हैं कि हम 2 व्हीलर कब लें, क्या करें, हम दाल रोटी किसी के यहाँ खाएं, आलू लें या सब्जी लें, और ये डेली मुर्गा और इनको मीट चाहिए, शराब चाहिए, और इसकी कहाँ से प्रॉपर्टी है, क्या ये करता है, कहाँ से इसके पास इतनी इनकम है। मैं प्रशासन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि प्रशासन जो है इसकी इंक्वायरी करे कि इसके माँ बाप ने इसको कितनी जायदाद दे के रखी हुई है, ये कहाँ से इसके पास पैसा आ रहा है, जनाब ये खुद ड्रग माफिया और हमारे बच्चों को जो भोले भाले बच्चों को जो है ये उसमें वो कर रहा है, और मेरे साथ आज पूरे गांव के हर एक प्रधान मेंबर और जो है ना गांव के नंबरदार उप प्रधान हर एक पूरे गांव के आदमी आए हुए हैं, अगर मेरे बच्चे किसी कोई भी कोई कंप्लेंट करता है तो मेरे को बताओ कि मेरा बच्चा अगर ये किसी के साथ अगर किसी बदतमीजी से बात